दिवाली दिया शुभकामना। ओके, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर ऑल फैमिली मेंबर्स आल्सो। ओके, वेलकम बेटे। दीपावली का शुभ अवसर है, दिवाली के कल आपको छुट्टी है, तो इस अवसर पर आप सभी ने, जो बच्चे हिंदू हैं उन्होंने हिंदू धर्म परंपरा, या जो बच्चे सिख हैं वो हिंदू जो सिख परंपरा के अनुसार हैं, और जो हमारे स्कूल में मुस्लिम बच्चे हैं, तो तीनों तकरीबन हमारे तीनों जो धर्मों को मानने वाले बच्चे हैं, तो जो भी जिस धर्म को भी मानने वाला है उसकी रीति के अनुसार, उसकी परंपरा के अनुसार जो है आपने जो है अपना त्योहार मनाना है, क्योंकि हरेक धर्म के हिसाब से जो है वो त्योहार मनाया जाता है। तो दिवाली का त्योहार जो है सभी मनाते हैं और सभी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार मनाते हैं, तो सबने अच्छे से त्योहार मना के खुशी खुशी से आना है। और इसके साथ साथ मैं आगाह करना चाहूंगी कि आप कोशिश करिए पटाखे मत चलाइए, कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि हमें वातावरण बचाना है। देखा आपने कोविड आया इसलिए आया कि हमने कुदरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, वृक्षों की कटाई करते हैं, या और भी वातावरण को प्रदूषित करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वातावरण को बचाने के लिए आप सबने कोशिश करनी है कि आप पटाखे ना चलाओ, लेकिन अगर आप बच्चे हो आपका मन करता है तो आप एंजॉयमेंट के लिए चलाइए, लेकिन जितने कम हो सके उतने चलाइए, अपनी खुशी के लिए चलाइए, दीप जलाइए, घी के दिए जलाइए, तेल के दिए जलाइए, लेकिन आप जो है वातावरण को शुद्ध रखने की कोशिश अवश्य कीजिए, ठीक है बच्चों। yes, yes, आपकी मम्मियां मिठाई बनाती हैं या बाजार से लाती हैं या घर का काम है उसमें जरूर मदद कीजिए, क्योंकि त्योहार मनाना, सिर्फ त्योहार में अपनी खुशी ही नहीं देखनी, हमें अपने परिवार की खुशी भी देखनी है। कि आपके मम्मा अगर कहीं काम करके आ रहे हैं, जॉब करके आ रहे हैं, तो आप उनकी मदद करोगे तो उनका भी त्योहार होगा, उनकी भी खुशी होगी। तो सारे बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी मदर जो है वो बड़ी एक आपकी जिंदगी में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो आप सभी बच्चे जो है कोशिश कीजिए कि हमेशा अपनी माओ को जो है साथ दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनका आशीर्वाद और खुशी प्राप्त कीजिए, उनके साथ मिलकर जरूर रहें, उनके साथ मिलकर, दादियां हैं, बुजुर्ग हैं, काम नहीं कर सकती या काम कर भी सकती हैं, तो उनका भी हाथ बटाइए ताकि आपके त्योहार की खुशी दुगनी हो जाए और आपको आशीष मिले, उनकी आशीष मतलब आशीर्वाद मिले। तो आशीर्वाद जो है, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो उसके मुंह से ब्लेसिंग्स आपके लिए जरूर निकलती है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाओगे आप, ऐसी मेरी जो है खुशी, मैं कहूंगी कि मुझे खुशी हो रही है आपको ये शुभकामनाएं देते हुए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब पटाखे चलाने हैं, एक तो पानी अपने पास रखना है, दूसरा इतनी नजदीक से पटाखे नहीं चलाने कि आपके जो है कपड़ों को कहीं चिंगारी लग जाए, या आपके हाथों को या अपने शरीर को जो है चिंगारी लग जाए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है सारे बच्चों ने। सिंथेटिक कपड़े नहीं डालने, चाहे टॉप है, जीन है, सूट है, कुछ भी डालना है। एक तो खुले खुले कपड़े नहीं डालने, क्योंकि जब हम खुले कपड़े डालते हैं किसी भी चीज को, माचिस की तीली लगाते हैं, तो कई बार हमारा हाथ या कोई खुले खुले कपड़े हवा से उड़ जाते हैं, तो इसलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है। सूती कपड़े पहनने हैं और ज्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनने, कई बार कोई कपड़ा आग पकड़ ले इतने टाइट हो कि वो हम उसको वियर ऑफ ही ना कर सके, उसको उतार ही ना सके, तो वो हमारे साथ ही चिपक जाए। तो नॉर्मल से कपड़े पहनकर अपने बड़े इत्मीनान से जो है पटाखे चलाने हैं, दिवाली मनानी है। तो पानी पास में रखने का क्या कारण है बाई चांस कहीं आग लग जाए या कहीं चिंगारी लग जाए तो आग फैलने से रोकने के लिए आप उस पर पानी डाल सको। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और इसी प्रकार आप इन बातों को ध्यान से जो है इनका पालन भी करेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है, ऐसी उम्मीद रखूं मैं आपसे। yes! ठीक है, बहुत
अच्छे बच्चे हैं सारे। अब हैप्पी दिवाली के लिए तालियां बजाएं, किसी को गाना आता है दिवाली पे या कोई सेलिब्रेशन पे या किसी खुशी पे गाने वाला, तो आज हम साझा कर सकते हैं। हाँ जी लक्ष्मी, चलो चलो शर्माओ नहीं, ठीक है। हाँ गाओ जी, मैं भी गाऊंगी आपके साथ। हाँ बोलो बोलो, आज पढ़ाई नहीं करनी, बस करो भाग्यवती, आज नहीं पढ़ाई करनी। हाँ जी कौन सा बोलो जी, दंद बदामी अखियां दा जट्टा कुड़ी शिव कुमार दे पिंड तो मैं मुद्दा नी मारा मोटा अफजद भुखे की जानन की मोरिया दंदा ने सज्जन दी बकरी विच तसल्ली बोलो बोलो ना खाओ लूटा गल छोटी हो जानी वेरी गुड तेरी शहरो तजली मेरी बहुत अच्छे शाबाश बनाई हो तो आप, आपको तीन चार छुट्टियां ना उसमें कोशिश करना कोई कविता या गीत लिखने की दिवाली पे, जो जो आप दिवाली पे देख रहे हैं ना उसमें कोशिश करना, ठीक है। वो गीत बना के या कविता बना के लाना, फिर हम क्लास में शेयर करेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली।